ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट अगेन। अभी हम जो है ये ऑनलाइन सेशन हमारा मिड से पहले का रिवीजन का सेशन है ऑनलाइन। इसमें प्रैक्टिकली मैं आपको जो है प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा और आपने जो है इसी तरह से प्रोग्राम्स को आपने अपने पास इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है अपने पास कंप्यूटर के ऊपर। आज जो प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए थे, एक सिंपल प्रोग्राम था कैलकुलेटर का, वो हमने अभी मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, और उसके बाद जो है मेडिकल स्टोर का बिल कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम था मेडिकल स्टोर का, वो भी मैं जो है इम्प्लीमेंट आपको करके दिखाता हूँ जी। तो अभी हम देखते हैं कि मुझे जो है वो कितना टाइम लगता है इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो उससे आप डबल टाइम में भी आप लें इसको इम्प्लीमेंट करने में, इस प्रैक्टिकल वर्क को जो अभी हम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने एम्प्टी प्रोग्राम स्ट्रक्चर, बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर बना लिया। पहला प्रोग्राम अगर आपको याद हो, आप कहते हैं तो मैं आपको जो है स्लाइड्स जो है वो शेयर कर लेता हूँ। ये हमारी आज की लेक्चर स्लाइड है, इसे भी मैं वो कर दूंगा। ये हमारा कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम है जो आज हमने जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। ये दो नंबर्स इंपोर्ट करने हैं, आगे उसकी जो है ये डिफरेंट ट्रेसिंग जो है वो दिखाई गई थी। तो ये वाला प्रोग्राम जो है इसका जो फाइनल वर्जन था यूजिंग इफ स्टेटमेंट और यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, वो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह अभी। और उसके बाद जो है मैं इसमें जो है जो ऑपरेटर का आस्की कोड्स हैं, यहाँ पे ये जो लास्ट वाली स्लाइड में गिवन है, ये वाला जो आस्की कोड, ये भी मैं जो है इसमें इम्प्लीमेंट कर लूँगा जी। अच्छा जी, तो प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वेरिएबल्स के नाम चले वही रख लेते हैं जो हमारे पास उधर है, नम वन नम टू, और करेक्टर टाइप का वेरिएबल ऑपरेटर के नाम से। उसके बाद हम जो है जब भी अलाइनमेंट ख़राब होती है तो मुझे पता चल जाता है कि ऊपर जो है वो सेमी कॉलन जो है वो मिसिंग है। अगर वर्टिकली प्रॉपर अलाइनमेंट चल रही हो तो सेमी कॉलन जो है मैंने डाल दिया हो तो फिर प्रॉपर वर्टिकली अलाइन जो है वो हो जाता है। एंटर नंबर वन, ठीक है। और यहाँ पर मैं ज़रा कॉलन का मैसेज भी दे देता हूँ और सी एन का मैसेज भी दे देता हूँ। अच्छा जी, नंबर वन का हमने यूज़र से इनपुट कर लिया, अब उसके बाद जो है ऑपरेटर इनपुट करना है, फिर नंबर टू इनपुट करना है, एंटर ऑपरेटर। कंप्यूटर पे करने का ज़रा हमें एडवांटेज यह है कि टाइम बचाने के लिए हम ज़रा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ऑपरेटर इनपुट हो गया, एंटर नंबर टू हो गया। अच्छा जी, जहाँ पे अगर मैं मिस्टेक करूँ, बहुत दफ़ा मुझसे जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, आपने जो है रेज हैंड करना है फ़ौरन, ठीक है। रेज हैंड करके आपने क्वेश्चन मुझे करेक्शन करा देनी है, या आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने जो है मुझसे क्वेश्चन करके पूछ लेना है। अच्छा, ये हमारे जो आई होप के इनपुट स्टेप हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें जो है इफ एल्स के जरिए चेक परफॉर्म करते हैं कि यूजर ने जो है वो कौन सा जो है वो क्वेश्चन किया है। हाँ जी राकेब, आप पूछें। मैं प्रेजेंट हूँ, मैं आगे खाना खा रहा था, अभी आया हूँ, सही है। हाँ जी राकेब, हेलो सर। जी जी, मुझसे बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं अभी खाना खा रहा था, मैं अभी आ गया हूँ, सही है। हाँ जी सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फालतू बात नहीं करनी, ठीक है ना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपके नंबर दारू मैंने कर दिया ना, मैं लगा दे अच्छा लगा दे, फिर इशू बनता है बाद में। अटेंडेंस अभी आप लेट आए ना तो आपकी अटेंडेंस दूसरी होगी उसमें, ठीक है। तो उसमें इंशाल्लाह आपका नाम आ जाएगा, दोबारा मैंने अटेंडेंस लेनी है, ठीक है। ओके जी, और इसमें सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा जी, तो इंडिविजुअली जी यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन या इंटरप्ट काम करें, क्योंकि हमारा टाइम जो है इसमें बहुत ही लिमिटेड होता है और काम हमारा जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा जी, जहाँ तक अगर मैं स्लाइड्स में से मेरे जहन में आता है, तो हमने यहाँ पर ऐसे सम का वेरिएबल बनाया था और नम वन और नम टू को हम जो है वो ऐड कर रहे थे, और साथ में हम जो है सी आउट कर रहे थे सम के आंसर को। अच्छा जी, अब ये हमारा प्रोग्राम जो है इसी तरह से हमने यहाँ पे जो है इसके बाद इफ स्टेटमेंट एक और लगाई थी माइनस के लिए, ज्यादा टाइपिंग एफर्ट में नहीं करता, कॉपी पेस्ट से जो है, और यहाँ पे जो है ये माइनस हो गया, और यहाँ पे वेरिएबल जो है उसका नाम सब था, और ये सब्सटीट्यूट सब्ट्रैक्ट करने का जो आंसर है ये हमारे पास यहाँ पे आ गया।
अच्छा यहाँ पे हमने एल्स लिखा हुआ था, अभी हम जो है वो लॉजिकल मिस्टेक देखेंगे जो हमने देखा था कि इनवैलिड का मैसेज तो प्रिंट होता है लेकिन अगर यूजर इवन प्लस का ऑपरेटर भी इंटर करे तो तब भी जो है वो इनवैलिड का मैसेज जो है वो एंटर हो जाता है। अच्छा जी ये वाली लॉजिकल मिस्टेक जरा हम देखना चाहते हैं, अभी हम जो है प्रोग्राम को रन करते हैं, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे नजर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर कोई होगा अगर तो इसे मैं थोड़ा सा जो है स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ, जो आउटपुट विंडो जो है मेरे पास आ रही है, मेरा ख्याल है वो आपके पास शायद नहीं आ रही होगी। ये जी ये आउटपुट विंडो जो है अभी आई होप कि आपको नजर आ रही है, यूजर एंटर करता है 5 और फिर ऑपरेटर के तौर पर यूजर एंटर करता है प्लस या माइनस और उसके बाद जो है फिर एंटर करता है 6, तो इस केस में सब -1 ये आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है अभी हम जो है इसे दोबारा रन करते हैं, जब हम कोई और ऑपरेटर रॉन्ग ऑपरेटर जो है वो रन करते हैं जी, मैं जरा इसको दोबारा से रन करता हूँ। और आउटपुट वाले स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ, अब हम जो है एंटर करते हैं 5 और फर्ज का यूजर ने जो है वो हैश का सिंबल दे दिया है, क्या 6 एंटर करते हैं, अभी भी आउटपुट ठीक है, इनवैलिड मैसेज जो है वो आ रहा है। क्या तो उसके बाद अब हम जो है दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं और इसमें अब हम जो है अगर प्लस की वैल्यू एंटर करते हैं, स्क्रीन अब रन हो रही है, इसमें 5 एंटर किया हमने, प्लस एंटर किया, 6 हमने एंटर किया, तो अब सम भी आ रहा है और इनवैलिड भी आ रहा है। तो अपने प्रोग्राम में ये आपने बस ख्याल रखना है कि लॉजिकली आपकी जो इफ एल्स की स्टेटमेंट्स हैं, अगर डिफॉल्ट आप एक एल्स देना चाहते हैं तो वो जो है ऊपर वाली सारी इफ एल्स की स्टेटमेंट जो है वो नेस्टेड होनी चाहिए। तो मैं जो है वापस हम अपने प्रोग्राम में जाके इसको ज़रा करेक्ट करते हैं, दैट वाज द लॉजिकल मिस्टेक, इसके हम जो है यहाँ पे करेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक एल्स लगा देते हैं और उसके बाद फिर आपकी मर्जी है कि आप जो है ब्रैकेट ओपन करें या ना करें, स्लाइड्स में यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन थी, एल्स की बॉडी की स्टेटमेंट की ब्रैकेट भी ओपन थी। ब्रैकेट ओपन करने का एडवांटेज ये हो जाता है कि अलाइनमेंट में ये हमारी हेल्प कर देता है। अच्छा जी अब हमारा प्रोग्राम जो है ये लॉजिकली करेक्ट हो गया है कि अब हम इसे जो है एक दफ़ा सिर्फ प्लस के लिए दोबारा रन करके देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसे जो है स्विच स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी 5 एंटर किया यूजर ने, प्लस का ऑपरेटर एंटर किया और 6 एंटर किया, अब देखें सम जो है वो 11 आ रहा है और इसी में मैं दोबारा रन करता हूँ, स्क्रीन शायद आपको नज़र नहीं आई थी, मैं यहाँ पे जो है 43 ASCII कोड जो है ASCII कोड देखें, साथ ही मैं लॉजिकल करेक्शन भी कर लिया और वो जो ASCII कोड था 43 और माइनस का 45 ये जो है मैं ये इसमें डाल देता हूँ ताकि एक ही दफ़ा ये भी साथ ही चेक हो जाए, ये 43 हो गया और यहाँ पे हो गया 45। इफ़ यू वांट टू यूज द ASCII कोड तो ASCII कोड को हमने विदाउट सिंगल कोड जो है वो लिखना है, ऑपरेटर के करैक्टर वेरिएबल को हम जो है ASCII कोड से जो है हम कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा जी अब मैं इसे रन करता हूँ और स्क्रीन आपसे जो है वो शेयर करता हूँ, आई होप कि इसमें एरर नहीं है। अच्छा जी प्रोग्राम हमारा रन हो गया, अब इसे जो है मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 5 प्लस और 6, अब देखें सम जो है वो 11 आ गया, अब वो उसे ASCII कोड से भी जो है कंपेयर कर रहे हैं, ठीक हो गया प्रोग्राम। अच्छा जी अब हम जो है दोबारा इसी प्रोग्राम को अगर मैं स्विच में कन्वर्ट करना चाहूँ, आप चाहें तो इसी को कन्वर्ट कर लें लेकिन बेहतर ये होता है कि आप जो है अच्छा जी बेहतर ये है कि आप जो है इसी को कॉपी पेस्ट कर लें,
एक मिनट जी, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। अच्छा जी, अब बेहतर यह है कि इसी को हम जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कभी भी कोई कोड को अगर आप बिल्कुल इंटरनली चेंज करना चाहें तो उसे बिल्कुल डिलीट या अपडेट ना कर दें। अगर आप एक डिफरेंट वर्जन बनाना चाहते हैं, इस वाले वर्जन को ये देखिए मैंने रैप कर दिया और इसे मैं मल्टी लाइन कमेंट में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे मैं जो है स्विच स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता हूँ। स्विच स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना जो है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ हम ये करेंगे कि यहाँ पे स्विच का कीवर्ड यूज कर लेंगे और जिस ऑपरेटर पे हमने स्विच का कीवर्ड लगाना है उसको हम जो है पैरेंथेसिस में लिख देंगे और जो वैल्यूज हम यहाँ पे लिखना चाहें, अगर आप प्लस की वैल्यू लिखना चाहें तो सिंगल कोट में इनक्लोज करके लिख देंगे प्लस की वैल्यू, और अगर आप उसकी बजाय आस्की कोड लिखना चाहें तो जैसे अभी मैंने चेंजिंग कर रहा हूँ तो आप इसकी बजाय आस्की कोड जो आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इस प्रोग्राम को हम जो है ये जो लास्ट वाला अब इसमें मैसेज है ये हमारा डिफॉल्ट में आ जाएगा। डिफॉल्ट में ही आ जाएगा मैसेज, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, एल्स पार्ट अब यहाँ से खत्म हो जाएगा। एक और स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो ये कलर इसका चेंज नहीं हुआ। अच्छा जी, एक और जो चेंज थोड़ी सी इस वर्जन में हमने करनी है वो ये है कि यहाँ पे जो है ये वेरिएबल्स को ऊपर हम डिक्लेयर कर देते हैं, अदरवाइज ये एरर देगा। इसे मैंने टेस्ट करके देखा था, सम और सब को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा जी, अभी प्रोग्राम आई होप के सेंटेक्स वाइज हमारा प्रोग्राम ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी एक लॉजिकल मिस्टेक जो है वो है कि स्विच स्टेटमेंट का जो फ्लो है उसमें जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है, इफ़ यू वांट टू सेपरेट द केसेस, डिफरेंट केसेस, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड फॉर डिफरेंट केसेस, उनको हमें सेपरेट करना हो तो फिर हमें जो है ब्रेक की स्टेटमेंट जो है वो लगानी चाहिए। ब्रेक की स्टेटमेंट जो लगानी चाहिए, ब्रेक की स्टेटमेंट जी मैंने लगा ली है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसे जो है मैं रीबिल्ड करता हूँ ताकि ये कंफर्म हो जाए कि पुरानी वाली एग्जी जो है वो नहीं चल रही, नई वाली एग्जी चल रही है। ये देखें सक्सेसफुल हो गया रीबिल्ड। अब मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ पे आस्की कोड के बजाय आप करेक्टर भी दे सकते हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब आप कोई भी वैल्यू देंगे आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक चलेगा। अगर हम यहाँ पे जो है वो ऐसा ऑपरेटर, ऐसा करेक्टर दे देते हैं जो कि नहीं है तो इनवैलिड का मैसेज आ गया। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी जो मैंने रन की है उसकी, ये देखिए ये इनवैलिड का मैसेज जो है यहाँ पे ये आ रहा है। मैंने एम परसेंट का करेक्टर एंटर किया है। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, जो पहले वाली एग्जी रन हो रही है मैं उसे बंद कर देता हूँ और इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और आपसे स्क्रीन जो है मैं इसकी शेयर करता हूँ एक मिनट में। तो अब आप देखें कि हम वैल्यूज एंटर करते हैं 5 और प्लस एंड 6, तो ये सम उसी तरह से 11 आ रहा है। तो आई होप के स्विच स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट का आपको पता चल गया होगा। इसकी मजीद प्रैक्टिस जो है हम अपने दूसरे वाले प्रोग्राम में करते हैं, वो भी इसी फाइल में हम बनाते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किया था आज सुबह ऑनलाइन क्लास में, कि जिसमें हम जो है काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम था। तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए एक तो मैं ये करता हूँ कि ये जो वॉइड और मेन ये सिस्टम पास वाले स्टेटमेंट है ना, इनको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा से मुझे लिखने की ज़रूरत ना हो। ये एम्प्टी स्ट्रक्चर जो ये मैंने कॉपी कर लिया और ऊपर वाला जो प्रोग्राम है उसे मैं कमेंट करके साथ में मैं इसे रैप कर देता हूँ। अच्छा जी, तो अब जो है अब हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम लैब मैनुअल से हम देखते हैं कि जो हमने सुबह डिस्कस किया था, इस तरह का अप्लाइड तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इसकी लॉजिक हमने डिस्कस की थी कि आप इसे इफ एल्स स्टेटमेंट के जरिए भी कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट के जरिए भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है इन वन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कितनी वैल्यूज जो है वो यूजर जो है वो इनपुट करेगा, ठीक है। तो एक मेडिसिन का नाम अभी सुबह हमने डिस्कस किया, दूसरी डोजेज, ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं,
जब वैल्यूज फिक्स्ड हों, लिमिटेड वैल्यूज हों, ये देखें 10-15 वैल्यू से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो तीसरा जो है वो क्वांटिटी, तो इसके लिए हम स्विच की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी अलबत्त कोई से भी हो सकती है, फ्रॉम वन टू दैट गिवन रेंज, ये मैक्सिमम क्वांटिटी जो है ये हमारे पास जो है वो गिवन है। तो इन दो जो इनपुट्स हैं इनको हम जो है जब प्रोसेस करेंगे तो पहले एफ एल्स के जरिए करेंगे और फिर अपने प्रोग्राम को जो है स्विच स्टेटमेंट में करेंगे। और अगर इस दौरान मीटिंग खत्म होता है तो आपने जो है दोबारा क्विकली जो है ज्वाइन कर लेना है। ये वाला एग्जांपल करने से हमारा जो है आज का लैब का वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत हम जो है एडिटिंग करके उसे लूप में भी इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं होगा, जस्ट एक मिनट का काम होगा। अच्छा जी, अब ये स्टेटमेंट है कि ये हमारे पास ये जो है हमारे पास ये गिवन है। तो सबसे पहले देखें, मैं ज़्यादा टाइपिंग एफर्ट नहीं करता। आप देखें, मैं यहाँ से ये जो मेन्यू का मैसेज गिवन है ना, इसको मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं वीडियो स्टूडियो में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने मेन्यू के मैसेज को प्रिंट कर दिया। टाइपिंग एफर्ट मुझे ना करनी पड़े, प्रैक्टिकली जब आप ये करते हैं कंप्यूटर पे तो ये बहुत आसान होता है। हाँ, अलबत्त जब आप पेपर पे लिखते हैं तो वो काम थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है, आपको वो चीज़ दोबारा जो है वो लिखनी पड़ती है। अच्छा जी चलें, एनीवे अब इसको जो है आपकी मर्जी है, आप इसे डिफरेंट तरह से जो है वो बना सकते हैं। मैं जो है चलें ऐसे कर लेता हूँ कि इसे हैंडल कर देता हूँ और ये मैं कॉपी पेस्ट की मदद से, और ये जो शुरू वाला मैसेज है पार्ट है, मेन्यू को क्वेश्चन से उठा के मैंने फाइल में पेस्ट कर दिया। टाइप करने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दिस मेन्यू विल बी प्रिंटेड। अच्छा जी, अब जो है डिस्कस हो रहा था कि तीन इनपुट्स होने हैं, एक हो गया क्वांटिटी, ठीक है, एक हो गया डोजेज, डी फॉर डोजेज, क्यू फॉर क्वांटिटी, और एक हो गया बिल। बिल को आप नॉर्मली जो भी आपका आंसर वेरिएबल हो, इररिस्पेक्टिव कि आपका उसका आंसर क्या हो, किसी ना किसी वैल्यू से इनिशलाइज करना ज़रूरी होता है। जैसे मैं इसे ज़ीरो से इनिशलाइज कर रहा हूँ, इनिशियली बिल इज ज़ीरो। अच्छा जी, उसके बाद अब हम ये कहते हैं कि जो मेडिसिन का नाम है वो एम मैं कह देता हूँ। मेडिसिन का जो है वो कैरेक्टर टाइप का जो है, ये देखें पी डी सी ए जो है ये करेक्टर्स हैं, ए बी जो है ये करेक्टर्स हैं, तो ये मैंने इसलिए मेडिसिन का नाम जो है वो करेक्टर में दे दिया। अच्छा, यहाँ पे आप ऊपर मैसेज देना चाहें इंटर मेडिसिन तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है इफ एल्स की स्टेटमेंट याद रखें। जैसे मैंने क्लास में आपको बताया था कि पहले मैं इसे सिर्फ जो है वो इसके लिए बनाऊंगा, पहली मेडिसिन के लिए बनाऊंगा, ठीक है। जो इसमें हम देख लेते हैं कि जो के पैनाडॉल है, पी फॉर पैनाडॉल, ठीक है, 10, 20, 30, 2, 3, 5 प्राइस है 50, 100, 250। पहले मैं इस मेडिसिन के लिए अगर मैं बना लिया तो फिर दूसरी के लिए कॉपी करना, तीसरी के लिए कॉपी करना, बाकी के लिए कॉपी करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होगा। तो पी फॉर पैनाडॉल यहाँ मेन्यू में भी ऊपर नज़र आ रहा है। तो यूज़र जो भी मेडिसिन का नाम दे रहा है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू पी, और स्टेटमेंट में अगर आपको याद हो कि लिखा था कि यूज़र कैन एंटर अपर केस करेक्टर एज वेल, इसे मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे आप बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट में एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है आफ्टर द इफ स्टेटमेंट सबसे आखिर में हमारा बिल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सी आउट बिल इज इक्वल टू, सॉरी, बिल क्या वेरिएबल भी प्रिंट कर देते हैं ताकि उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। अच्छा जी, अब मेडिसिन एंटर करने के बाद हमने ये चेक करना है कि उसकी डोजेज क्या है। तो डोजेज बजाय इसके के जैसे हमने उधर सॉल्यूशन में लिखा था कि डोजेज जो है हम क्वांटिटी जैसे बार बार इनपुट कर रहे हैं, वैसे वो भी इधर एक दफ़ा इनपुट कर सकते हैं, तो बेहतर है कि डोजेज तो इनपुट करनी ही है, ठीक है, चाहे मेडिसिन इनमें से कोई ना भी दे यूज़र। तो यहाँ पे हम यूज़र कह देते हैं एंटर डोजेज, डोजेज भी हम एंटर कर लेते हैं, एंडल का मैसेज नहीं देते, यहाँ पे कॉलम का करेक्टर दे के ज़रा रीडेबिलिटी होगी, उसी के आगे सी एन का मैसेज आएगा, डी फॉर डोजेज। अच्छा जी, अब अगर यूजर ने एंटर किया है पी फॉर पैनाडॉल एंड द डोजेज डी इज इक्वल टू 10, ओके, देन डू दिस थिंग,
10, 20, 30 ये तीन डोजेज हैं। इसमें मैं एफ ये वाला जो है ये क्लास पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, या चलें एम्प्टी स्ट्रक्चर इसमें हम बना लेते हैं, एल्स इफ डोजेज इज इक्वल टू 20 तब ये काम करना है। यहाँ पे पहले खाली हम अभी एम्प्टी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एल्स इफ डोजेज इज इक्वल टू 30 तब ये काम करना है। तो else में डिफॉल्ट मैसेज आ जाएगा सी आउट। क्वेश्चन में से देखते हैं जी क्या मैसेज था, मुझे जरा जहन में नहीं आ रहा कि जब वो नहीं होता तो यहाँ पे ये मैसेज है डोजेज नॉट अवेलेबल, ये वाला मैसेज है जी डोजेज नॉट अवेलेबल। चलिए जी क्वेश्चन से हमने देख लिया कि एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की वही वाला मैसेज हमने कॉपी कर लिया डोजेज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब देखें ये हमारा जो है ये हमारा एम्प्टी स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें अगर डोजेज इन तीनों में से होगी तो इसका मतलब है वैलिड है। अब इसमें हमने जो है क्वांटिटी इंटर करनी है, तो आप चाहते तो एक दफा ऊपर ही क्वांटिटी इंटर कर लेते, किसी आप में से एक स्टूडेंट ने कहा था वो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन क्योंकि स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि पहले वैलिडिटी ऑफ डोजेज जो है वो हम चेक कर रहे हैं कि डोजेज वैलिड है 10 20 30 है, फिर हम एंटर करवा रहे हैं क्वांटिटी, एंटर क्वांटिटी। और इसमें हम जो है सी एन की स्टेटमेंट क्यू का वेरिएबल मौजूद है। अच्छा जी क्वांटिटी अब हम देख लेते हैं कि इफ क्वांटिटी इज लेस देन जीरो और इवन इफ इट इज इक्वल टू जीरो आई थिंक ये वैलिड नहीं है, ठीक है। सी आउट मैसेज देख लें जी क्या मैसेज है, जो मैसेज क्वेश्चन में है मैं वही प्रिंट करना चाहता हूँ। आप वैसे इनवैलिड का भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, इफ आउट ऑफ स्टॉक है इनवैलिड इनपुट ये वाला मैसेज है, और दूसरा होगा आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे हम कह देते हैं इनवैलिड इनपुट, एग्जैक्टली मैंने वही मैसेज उठा लिया। अच्छा जी आप वैसे अगर लिखना चाहें इसमें इनवैलिड क्वांटिटी तो वो ज्यादा मीनिंगफुल है, ठीक है। अच्छा जी एल्स इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन ये जो 10 वाला था उसमें जो है रेंज देख लें डेटाबेस में से टेबल में से रेंज क्या है, देखिए 10 वाले के लिए है 50, 20 वाले के लिए 100 और इसके लिए है 250, ये ज़रा याद रखनी हमें बार बार इधर ना आना पड़े। 235 प्राइस है और 50 100 250 जो है उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी है हमारे पास स्टोर के अंदर, ठीक है। तो अब हम जो है इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं कि इफ क्वांटिटी इज यूजर जो डिमांड कर रहा है क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50 तो यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। और एल्स में अब कंट्रोल यहाँ पे तभी आएगा जब आपके पास क्वांटिटी जो है वो जीरो से बड़ी होगी और 50 से लेस होगी, क्योंकि जीरो से लेस होती कंट्रोल इधर चला जाएगा, जीरो 50 से ग्रेटर होगी तो कंट्रोल इधर चला जाएगा। तो अब हम 2 प्राइस है जी, जो सबसे कम प्राइस था वो 2 था, इसका 2 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इफ दिस कमांड विल गिव अस द बिल अमाउंट, ठीक है जी। मैंने एक मेडिसिन के लिए एक डोजेज के लिए मैंने क्वांटिटी की प्रोसेसिंग किया है जी, सिर्फ प्रॉब्लम को मैंने ब्रेक डाउन कर लिया, प्रॉब्लम को मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है। अच्छा जी अब हम जो है आप चाहें तो अभी से प्रोग्राम को इसको जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसको थोड़ा सा कम से कम एक मेडिसिन के लिए मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूं और उसके बाद जो है फिर हम इसे जो है वो रन करेंगे। हाँ जी रिहान आप बोलना चाहें तो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही या आहिस्ता आ रही है? अच्छा जी इसमें लैपटॉप के बिल्ट इन माइक्स हैं, इसमें अगर कुछ गड़बड़ होता है तो इतना ज़्यादा मैं वो नहीं कर सकता, थोड़ा सा ये है कि मैं कुछ लाउडली बोलने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी तो इसमें दूसरी उसके लिए हम जो है डोजेज के लिए जो क्वांटिटी और जो चीज़ अवेलेबल थी उसको हम जो है वो चेक करते हैं के क्वेश्चन में क्या गिवन थी। इसमें एक तो प्राइस मुझे याद है वो 3 था और क्वांटिटी जो है वो मुझे याद है कि वो 100 थी। चलें जी ये तो अच्छा हो गया। तीसरे में हम देखते हैं कि क्या है,
क्वांटिटी जो है मेरा ख्याल है 250 थी और प्राइस जो है वो था 235। एक दफ़ा दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से कि जो ये वाली 250 और प्राइस जो है ये 5 था फॉर 30 मिलीग्राम पेनाडाल। ठीक है, तो ये तीन एफ की स्टेटमेंट्स हमने इंप्लीमेंट कर ली फॉर द फर्स्ट मेडिसिन। अब हम जो है देखते हैं अपने प्रोग्राम को, 250 और 5 रुपीज, 3 रुपीज एंड 2 रुपीज। अच्छा जी, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं जी। अगर ये एक उसके लिए सही चल रहा है तो फिर हम इसी तरह से दूसरी मेडिसिन, तीसरी मेडिसिन और रिमेनिंग मेडिसिन के लिए हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्ड मेन्यू में से मैं रीबिल्ड कर लेता हूँ इसे, ताकि अगर ये ना हो कि पिछली वाली एग्जिट चल जाए, क्योंकि वो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम भी इसी फाइल में बनाया हुआ था। तो रीबिल्ड सक्सीड हो गया, सक्सेसफुल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब हम इसे जो है वो रन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें कि हमारे पास मेन्यू डिस्प्ले हो गया और उसके बाद अब हम जो है, अच्छा जी स्टूडेंट तकरीबन 2 मिनट रह गए हैं, मैं एक दो दफ़े से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, फिर आप ज़रा काइंडली रीजॉइन कर लीजिएगा मीटिंग को। अच्छा जी, पी फॉर पेनाडॉल, इंटर डोजेज 10 रुपीज़, और मैं क्वांटिटी कहता हूँ कि 10 मिलीग्राम में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी थी, 50 तक थी। चले हम 40 टेबलेट्स डिमांड करते हैं, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2, 80 का बिल हमारा आ गया जी। ठीक हो गया, बिल सही कैलकुलेट हो गया। हाँ जी आज़िब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आउटपुट स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओह सॉरी, वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया। ये मैं दोबारा से इसे शेयर कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा जी, अभी देखें ये मैंने इसे रन कर लिया था, तो मैं इसे दोबारा भी रन करता हूँ। अब ये देखें, ये डोज 10 इंटर किया, 40 इंटर किया और बिल 80 हमारे पास आ गया। मैं इसे अब दोबारा रन करता हूँ। तो पहले वाली एग्जिट थी उसे मैं बंद कर दी, अब मैं इसे रन किया। अब आउटपुट विंडो पहले मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। अब जी, अब आई होप कि आउटपुट विंडो अब नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब क्योंकि हमने पहले मेडिसिन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, पी फॉर पेनाडॉल, और डोजेज जो है वो 20 मिलीग्राम और क्वांटिटी जो है हमारे पास 100 तक है, तो हम 90 इसमें दे सकते हैं। ये हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई होके 3 जो है रुपीज़ पर टेबलेट जो है प्राइस था, तो ये 270 का बिल सही रिजल्ट आ रहा है। अब एक ही मेडिसिन को हम अच्छी तरह से ज़रा जब हमने टेस्ट कर लिया, तो अब हम इसको जो है फॉर सेकंड मेडिसिन हम जो है वो कर सकते हैं क्विकली इम्प्लीमेंट।